हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। माय नेम इज तितिक श्वेरा। आप लोग मुझे इंटरनल सिक्योरिटी की लेक्चर सीरीज के अंदर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स सी वीडियो कितना लंबा होता है, कितना किस हिसाब से होता है ना। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर उसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर आने से पहले एक बार रिविजन करेंगे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो ट्राइबल्स और ये वाला पार्ट तो अपन ऑलरेडी मेरे ख्याल से रिवाइज कर चुके हैं, है ना। नहीं, ये वाला कर चुके हैं, ये शायद नहीं हुआ रिवीजन, है ना। चलो यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, हुआ हो नहीं हुआ हो, रिवाइज तो करना ही है। ओके, सो हिस्ट्री वाला पार्ट। भाई, हिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर अपन ने क्या देखा था बताओ। हिस्ट्री जो है अपन ने दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करी थी, है ना। विच वर नेमली, फर्स्ट वॉज फ्यूल, सेकेंड वॉज आइडियोलॉजी। फ्यूल के अंदर अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे अपन को मल्टीपल इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे थे, किस चीज़ के, लैंड कन्फिस्केशन के, और ये किसके द्वारा देखने को मिल रहे थे, बाय लैंड लॉर्ड्स, और किसके हो रहे थे, तो पुअर ट्राइबल्स या फिर पुअर रूरल जो भी पीपल थे उनके हो रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्योंकि जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए पॉपुलर लीडर्स के पास जा रहे थे। और पॉपुलर लीडर्स जो है, जैसे कि एग्जाम्पल, डोडी कॉनर आया तेलंगाना के अंदर, चारू मजुमदार एंड कानू सान्याल नक्सलवारी में। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे लीडर्स हैं, लेकिन एक एक लीडर्स को अपन ने यहाँ पे ऐसे लिस्ट नहीं करा है। ठीक है, और वैसे भी इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट एल्स। ठीक है, तो फ्यूल वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया। व्हाट एल्स, फ्यूल के अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी वाले पार्ट के अंदर अपन ने देखा था कि ऑलरेडी जो है अपने नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो ऑलरेडी, उनकी थोड़ी सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज थी, और ये किसकी वजह से थी, किसकी बदौलत थी, तो यहाँ पर पहले प्रीसीडिंग दो आइडियाज़ है। सबसे पहले मार्क्स एंड एंजल्स, है ना। मार्क्स एंड एंजल्स से हुआ 1917 का अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है ये रशिया के अंदर हुआ था, और इनसे जो है मोटिवेट अपने जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे कि लीडर्स ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गांधी जी, उसके अलावा अपने नेहरू और बोस, समझ में आया। और ये तो सिर्फ कुछ एक नंबर है, बाकी उस समय पे हैवी जो है यहाँ पर कम्युनलिज्म, और कम्युनिज्म तो नहीं कहेंगे बट सोशलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म और सोशलिज्म, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा के अंदर ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट थी उस समय पर। अब जो है, अब तो वाई ट्राइबल्स गेट अट्रैक्टेड, है ना। तो यहाँ पे भी अपन ने ट्राइबल्स के केस के अंदर तीन रीजंस देखे थे, तीन प्रोमिनेंट रीजंस। वो कौन कौन से रीजंस थे बताओ। सबसे पहले कुछ जनरल रीजंस थे, जनरल रीजंस के अंदर जैसे कि भाई एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट के अलावा आपको इक्वल वेजेस, मतलब फेयर वेजेस वगैरह देंगे, फेयर वेजेस के अलावा यहाँ पर जो है जो लैंड वगैरह है, तो लैंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा। ठीक है, रीअलॉटमेंट टाइप की चीज़ होगी। इसके अलावा कुछ जो है एनिमल इंस्टिंक्ट्स को अपीज करने वाली चीज़ें अपन ने देखी थी, जैसे कि पुलिस ऑफिशियल्स जो है पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक वगैरह करते हैं ना। उसके अलावा जो IAS ऑफिसर्स वगैरह या फिर जो दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें एबडक्ट करके ले जाते हैं ना। उसके अलावा इन्हें जो है थ्रेटन वगैरह करते, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज वगैरह है उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, इसके अलावा जो है थर्ड रीजन बताओ क्या देखा था। जनरल रीजंस हो गए, है ना, प्रोपोगेंडा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेंडा मशीनरी है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेंडा मशीनरी के अंदर NGOs हैं, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, जो जिनको अपन ने फिर बाद में जो है इंटेलिजेंसिया वगैरह ये सब चीज़ें देख ली थी। और इसके अलावा ये जो है इनकी प्रेजेंस नियरली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल के ऊपर ये आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी, मीडिया, NGO वगैरह, स्ट्रॉन्ग लॉबी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स वगैरह, ये सब चीज़ें अपन ने देख ली थी। ठीक है, बस इसके अंदर यही था। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है डिसलाइक करें। ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा ना पेज, ऐसा लग रहा है क्या ही पढ़ लिया, जबकि ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है, सबको तो हटाया जा सकता है।
ठीक है, तो एनीवेज इफ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लग रहा है डिसलाइक करें, एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली फेलो एस्पिरेंट्स वगैरह के साथ में। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं कराया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड जो है बाकी की कुछ प्लेलिस्ट वगैरह के भी लिंक मैंने नीचे डाल दी हैं, तो उनको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, अपन मोडस ऑपरेंडाई के ऊपर आए थे, और मोडस ऑपरेंडाई वाले पार्ट के अंदर अपन ने इसे दो पार्ट के अंदर डिस्कस करा था। पहला तो वॉर फ्रंट के ऊपर ये क्या काम कर रहे हैं, और पैरेलली पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर ये क्या काम कर रहे हैं। तो वॉर फ्रंट के ऊपर यहाँ पे अपन ने पूरी स्ट्रैटेजी देख ली थी। सबसे पहले ये अटैक करते हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह होती है, पर्सोनल वगैरह होते हैं, उन्हें अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद में जब वो रिटेलिएट करते हैं तो ये सीज़ फायर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, सीज़ फायर डिक्लेयर कर देते हैं। सीज़ फायर डिक्लेयर करने के बाद में क्या चीज़ होती है, सीज़ फायर डिक्लेयर करने के बाद में फिर जो है ये डिप्लोमेसी वगैरह की बात करते हैं, है ना। जब डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वगैरह नहीं हो पाती तो ये सिंपथाइजिंग करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, हम वी आर द विक्टम्स, है ना, तो विक्टम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं। जब उसके बाद इनके इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है तो फिर उसके बाद ये जो है वापस से अटैक कर देते हैं, तो दे रिवर्ट बैक टू देयर बेसिक टेंडेंसीज। ठीक है, अगर पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें तो पॉलिटिकल फ्रंट में यहाँ पे ये पैरेलल गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिस पैरेलल गवर्नमेंट को ये लोग कहते हैं जनता सरकार, है ना। इसके अलावा जो है कैंगरू कोर्ट्स बना लेते हैं जो है जस्टिस वगैरह के लिए, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हार्ड फैक्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रीट बेस्ड जस्टिस होती है एक तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर पैरेलल टैक्सेशन सिस्टम बना लेते हैं, टैक्सेशन और पेनल्टीज़ का सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो टैक्स वगैरह, पेनल्टीज़ वगैरह ये खुद के ही वहाँ पर ग्राउंड पर लगा रहे होते हैं। वॉर फ्रंट के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला अटैक, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मतलब इसको बताना भूल जा रहा हूँ। तो गुरिल्ला अटैक के बेसिक मैंने आपको बता दिया था, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, तो ये जो है छुप के अटैक करते हैं, है ना। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये किसकी लाइंस के ऊपर है, तो ये माओ ज़ेडोंग की लाइंस के ऊपर है, मतलब माओ ज़ेडोंग से इंस्पिरेशन वगैरह लेकर बना है। एंड माओ ज़ेडोंग ने ही आइडिया दिया था PGLA बनाने का। वॉट इज़ PGLA? तो पीपल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी, जैसे PLA होती है वैसे ही PGLA, पीपल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी। ठीक है, डिक्लेयर सीज फायर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अर्बन नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स के केस में अगर देखें तो हु आर अर्बन नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स देखो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया भी हो सकता है, अर्बन लेबर भी हो सकती है, उसके अलावा अर्बन जो बाकी के कॉमन मैन हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, दे टेंड टू फॉर्म फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, ज़रूरी नहीं कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, बट यूजुअली ऐसा देखने को मिला है कि ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बना के फिर ये अलग अलग काफ़ी सारे काम करते हैं, जैसे कि एक तो अकोमोडेशन प्रोवाइड करना जो अपने नक्सल्स वगैरह हैं, जो प्रॉपर मेन स्ट्रीम नक्सल्स हैं उन्हें। अब ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इस चीज़ को आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे भी। जैसे आसाम के अंदर काफ़ी सारे लोगों को वो जो है रिक्रूट करते हैं, है ना, आसाम में रिक्रूट करने के बाद फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर उनकी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद में वो वापस वहाँ पर जाते हैं। तो ये जो आने जाने वाला मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर इन्हें कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डैट अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय दीज फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और दीज अर्बन नक्सल्स, समझ में। इसके अलावा जो है ये इनकी इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, इलिसिट एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, इन सब चीज़ों को हाइड करने में, है ना। इसके अलावा जो गन रनिंग वगैरह इनकी ट्रेड चल रही होती है, गन रनिंग वगैरह इनकी जो ट्रेड चल रही होती है किसके साथ में, तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में। ठीक है, रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ में। इसके अलावा जो है यहाँ पर इनकम जनरेट करने के अंदर भी ये काम करते हैं, जैसे कि अगर कोई एनजीओ वगैरह बना दिया और वहाँ पे किसी भी कॉज के लिए बोल रहे हैं कि भाई देखो, हम जो है लाचार बेटियों के लिए एनजीओ है, प्लीज़ फंड दिस एनजीओ एंड दिस एंड डैट, तो जो है बोले लोग वहाँ पे फंडिंग वगैरह देंगे और ये उस फंड, उस पैसे का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, समझ में। इसके अलावा और क्या चीज़ है बताओ,
प्रोपोगंडा, बिल्कुल सही बात। तो प्रोपोगंडा फैलाने के अंदर दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस इनके लिए, है ना। और प्रोपोगंडा फैलाने के अलावा भी एक दो पॉइंट्स थे, इलिसिट एक्टिविटीज़ बता दिया, जनरेट मनी बता दिया, प्रोवाइड अकोमोडेशन बता दिया, सिंपथी, है ना। तो सिंपथी वगैरह सिंपथाइज करने के लिए, है ना, उसके अलावा लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, इन सारी ही चीज़ों के लिए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो अर्बन नक्सल्स हैं इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, इन्हें अपन को नहीं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रोल ऑफ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक था रोल ऑफ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स। तो यहाँ पर अपन ने जो है सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी थी कि स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। फिर इसके बाद में स्टेट एक्टर्स के केस के अंदर अपन ने समझा था कि भाई ये एलिजिड है कि पाकिस्तान और चाइना इन्वॉल्व है, ऑल्दो अभी तक एविडेंस नहीं है, ऑल्दो, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के केस में तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट एविडेंस्ड हो चुकी है। अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की अगर अपन बात करें तो नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की जो भी मिलिशियाज़ वगैरह हैं वो इन्वॉल्व है, जम्मू कश्मीर के मिलिशियाज़ के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी वाली जितने भी आउटफिट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो भी मिलिशियाज़ हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। और ये चीज़ भी 100% प्रूवन है कि जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिशियाज़ हैं, इंसर्जेंट्स हैं, ये चाइना से फंडेड हैं, और जो J&K के हैं ये पाकिस्तान से फंडेड हैं। तो इन अ वे बोथ आर इनडायरेक्टली फंडेड, या फिर द नक्सल्स आर इनडायरेक्टली फंडेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, समझ में आया। ये इस तरह की मुजाहिदीन टाइप की थोड़ी एक्टिविटी होगी, जैसे यूएस क्या करता था, यूएस जो है वो पाकिस्तान को पैसा देता था और बोलता था कि तुम जो है अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को पैसा दो, है ना, ताकि वो जो है वहां पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे। और उस समय पर अफगानिस्तान में यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, अभी तो पहले तो यूएस था, लेकिन उससे पहले काफ़ी पहले की बात है, तो तब यूएसएसआर हुआ करता था। तो ये मुजाहिदीन को यहाँ से फंड करते थे। अब ये क्या होता था कि जैसे मान लो भाई इन्होंने यहाँ से 100 रुपये भेजे, तो ये 50 रुपये 60 रुपये यहाँ पर खुद रख लेते थे, 40 रुपये यहाँ पर भेज देते थे, लेकिन यूएस के 100 रुपये भी बहुत होते हैं, समझ में, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, यूएस के 100 रुपये कितने रुपये होते होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर व्हाट वॉज आई सेइंग, तो यहाँ पर ये जो है ये 60 रुपये यहाँ पर रख देते थे, ये इनके टेररिस्ट वगैरह को ग्रो करते थे, इनके यहाँ पे पैसा वगैरह सब बढ़िया चल रहा था, है ना। फिर उसके बाद में यूएसएसआर फाइनली यहाँ से आउस्ट कर गया, तब ना एक तो मुजाहिदीन बेरोजगार हो गए, दूसरे यहाँ के लोगों के पास भुखमरी हो गई, ठीक है, तो ये फंस गए। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या है, देन वॉट, रोल ऑफ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह ये सब अपन ने देख लिया। देन जो है सोशल मीडिया का रोल भी आता है, तो सोशल मीडिया का रोल भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। सोशल मीडिया के रोल के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था बताओ। सोशल मीडिया के अंदर सबसे पहली चीज़ तो अपन ने ये देखी थी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसके अंदर एक तो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब तो है ही हैं। इसके अलावा कुछ वेब बेस्ड ग्रुप्स भी हैं, है ना। इसके अलावा जो है कुछ फोरम्स भी हैं, जैसे कि एक फोरम का नाम अपन ने देखा था नक्सल हमीज, नहीं हमजी, ठीक है, तो नक्सल हमजी, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ अपन ने देखी थी, इसके अलावा कुछ गेमिंग साइट्स हैं, है ना, तो गेमिंग साइट्स के अपन ने नाम देख लिए थे। गेमिंग साइट्स के अलावा जो है यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया का यूज़ है ये यूज़ किस लिए करते हैं, तो तीन चीज़ों के लिए करते हैं, पहला प्रोपोगंडा, दूसरा सिंपथी, और तीसरा जो है रिक्रूटमेंट वगैरह या फिर सोशल बेस को अपने इंक्रीज करना, समझ में आया, ठीक है। तो प्राइमरीली इन तीन कामों के लिए करते हैं। फिर इसके बाद जो है अपन हमीद है यार, हम एक बार इसको वापस चेक करूँगा, एक बार इसको वापस चेक करूँगा, ये हमजी है या हमीद है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, ऑनलाइन फोरम्स वगैरह ये मैंने आपको बता दिया, गेमिंग साइट्स वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है इसको अपन ने तीन वे के अंदर मतलब तीन आस्पेक्ट से इसको अपन ने कवर करा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो जो तीन आस्पेक्ट्स कौन कौन से है, सबसे पहला तो है सोशल इशू। तो सोशल इशू के अंदर ये कैसे है, तो सबसे पहली बात तो ये जो है एनार्की वगैरह फैलाने की कोशिश करता है, और एनार्की फैलाने से क्या होगा, सोशल फैब्रिक जो होगा सोसाइटी का वो जो है ख़राब होगा, है ना। इसके अलावा क्या चीज़ थी, नहीं, सोशल इंस्टेबिलिटी होगी, है ना। फैब्रिक
फिर इसके अलावा ये और क्या करता है, तो ये जो है डिवाइड को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, रिफ्ट वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करता है पॉपुलेशन के बीच में, जैसे कि रूरल वर्सेज अर्बन, जैसे कि पीजेंट, जैसे कि ट्राइबल वर्सेज नॉन ट्राइबल, जैसे कि रिच वर्सेज पुअर, है ना। तो ये सब चीज़ें करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या चीज़, मतलब इसको हवा देता है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हवा देता है, बहुत ज़्यादा उठाता है ना, जिसकी वजह से क्या चीज़ होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर सोशल अपन को अपना जो फैब्रिक है, ठीक है, जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, वो वीकनिंग होता है, वो टीयर वियर एंड टीयर होता है। सो मैम सेकेंड जो है इकोनॉमिक इश्यूज अपन ने देखे थे, तो इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर सबसे पहला तो अपन ने ये देखा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ऐस तैस हो जाती है, और इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से फिर आगे वाला पॉइंट जो है वो डेवलपमेंटल वाले के अंदर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अपन ने जो है पॉइंट देखा था कि पैरेलल अगर टैक्सेशन सिस्टम चलाएगा तो फिर स्टेट का टैक्सेशन सिस्टम का क्या मतलब निकला, है ना। थर्ड चीज़ अपन ने यहाँ पर देखी थी कि माइनिंग था, है ना, तो माइनिंग वगैरह इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक्सटॉर्शन वगैरह इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो ब्लैक मनी माइनिंग नहीं था, मतलब ठीक है वो रिलेटेड हो गया, बट ब्लैक मनी, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अलावा जो काउंटरफिट करेंसी है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, समझना। थर्ड पॉइंट अपन ने जो है डेवलपमेंटल पॉइंट्स देख लेते, तो डेवलपमेंटल पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले अपन ने ही देखा था, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, वो यहाँ पे बिजनेस वगैरह सेटअप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं करेगी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेवलपमेंट नहीं होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट के अलावा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। देखो भाई, स्टेट के पास एक लिमिटेड क्षमता है ना एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेशन की, उसके अलावा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ से हैम्पर हो जाता है, समझना। सेकेंड चीज़ है कि स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर पाती है, इसके अंदर अपन को ये चीज़ बार बार रिपीटेडली देखने को मिली है ना। और उसके साथ में अगर ये चीज़ कपल्ड हो जाए तो बहुत ज़्यादा हालतें ख़राब हो जाती है। एंड थर्ड थर्ड जो है ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह, इंफ्रा वगैरह है, उसके पीछे वैसे भी ये हाथ धोकर पड़े, उसको तोड़ने फोड़ने के पीछे पड़े हैं, समझना। तो डिसरप्टिव यूज़ ऑफ एनजीओस, ठीक है, एनार्किस्ट टेंडेंसीज वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रही है, प्राइवेट अंदर आना नहीं चाह रहे हैं, डिस्ट्रक्ट ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उनको। तो लेफ्ट विंग, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड फिफ्थ शेड्यूल। यहाँ पर अपन ने क्या चीज़ देखी थी, ठीक है, बढ़िया है भाई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड फिफ्थ शेड्यूल। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि फिफ्थ शेड्यूल जो है वो कहाँ पर मेंशन है, वो आर्टिकल 244 क्लॉज 75 में मेंशन है, वहीं पर सिक्स शेड्यूल कहाँ पर मेंशन है, तो ये जो है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन है ना। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर अपन ने देखा था कि AMMT ये सारी की सारी स्टेट्स कवर्ड हैं, और अगर इन स्टेट्स के अंदर, यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्थ शेड्यूल का था, सिक्स शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कोई वो वैसे वाली बात नहीं है। इसके अंदर अपन ने जो है पूरा पूरा शेड्यूल के अंदर सारे के सारे नॉर्म्स देख लिए थे, जैसे कि कौन कौन से नॉर्म थे। एक तो गवर्नर जो है वो ट्राइबल राइट्स का क्या है, जो है प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर वॉज नॉट द टर्म वॉज समथिंग एल्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज वॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये एक बार शायद क्वेश्चन आया था, चलो देखते हैं, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर ही होता है, टर्म कुछ और है, सी से शायद नाम है, ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो गवर्नर जो है वो ट्राइबल राइट्स के जो भी हैं, है ना, कौन है, कस्टोडियन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनी वेज, गवर्नर इज कस्टोडियन ऑफ ट्राइबल राइट्स, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि इनको एक रिपोर्ट वगैरह फाइल करनी होती है, किसको, प्रेजिडेंट को, है ना। थर्ड थिंग ये है कि ये जो रिपोर्ट वगैरह होती है, ये रिपोर्ट किसकी हेल्प के साथ में बनाई जाती है, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ में बनाई जाती है। फोर्थ थिंग ये है कि कोई भी लॉ है, पहली बात तो स्टेट का लॉ वहाँ पर तो वैसे ही गवर्नर की भूमिका आ जाती है, लेकिन जो यूनियन के लॉ है वो भी यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकते हैं, वो कुछ हद तक ही अप्लाई होंगे, कुछ लॉज अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होंगे, कुछ लॉज कुछ जो है मॉडिफिकेशन के साथ में अप्लाई होंगे, कुछ लॉज जो है वो धीरे धीरे अप्लाई होंगे, एकदम से अप्लाई नहीं होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है, और बिना गवर्नर के असेंट के, बिना गवर्नर के जो भी मंजूरी वगैरह के, यहाँ पर जो है लॉज वगैरह अप्लाई नहीं होते हैं सीधा सीधा। लेकिन फिर अपन ने यहाँ पे कुछ जो है इश्यूज देखे थे, बट देर वर सम इश्यूज, विच वर द इश्यूज, विच वर द लैक्यूनास। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नीड्स एड्रेस नहीं होती है
है ना, जो एक्चुअल नीड्स है ट्राइबल्स की वो एड्रेस नहीं होती। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है इसके अंदर भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर नीड्स एड्रेस हो भी जाती है तो फिर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर ढंग से डिस्कस नहीं किया जाता है। लॉज वगैरह की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी जो गवर्नर है बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, समझ में? ठीक है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट अपन ने देख लिया था। जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है कि जो नक्सल्स हैं, सॉरी जो पीपल हैं, दे आर फर्दर मोर अट्रैक्टेड टू नक्सलिज्म एज इट वॉज सुपरफिशियल रिफॉर्म। दैट्स इट, यही था कल। ठीक है, तो कल अपन ने ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, कल अपन ने ये सब पढ़ लिया था। आई होप आपको इसमें कुछ भी डाउट ना हो, अगर हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। और उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा लेट स्टार्ट भाई, आज के लेक्चर से शुरू करते हैं। आज क्या चीज़ है अपने पास? सबसे पहली चीज़ तो अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के पीछे क्या क्या कॉजेज हैं, टोटल जो है यहाँ पर अलग अलग अपन आस्पेक्ट्स के अंदर इन कॉजेज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस वगैरह के आस्पेक्ट्स, जुडिशल आस्पेक्ट्स। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है नक्सलिज्म राइज पर है या फिर नक्सलिज्म को इम्पेटस मिलता है। देखो भाई, सबसे पहले अगर पॉलिटिकल कॉजेज़ की अपन बात करें तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में यहाँ पर सबसे पहली बात तो इनका पुअर रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं है ना, बोथ एट स्टेट एंड एट यूनियन लेवल। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो ऑलरेडी जो लेजिस्लेटर्स हैं अपने स्टेट और यूनियन पर, वो जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा एपैथेटिक नहीं है या फिर इनके कॉज की तरफ बहुत ज़्यादा एपैथेटिक नहीं है। ठीक है, बी डैट बी नक्सलिज्म, बी डैट बी ट्राइबल्स, बी डैट बी रूरल्स, बी डैट बी यू नो पीजेंट्स और वॉट एवर, हर एक के कॉज की तरफ अगर आप जो है प्रॉपरली एपैथेटिक नहीं हो तो वॉट इज़ दी पर्पज ऑफ यू नो दिस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ इवन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जब अपन ने जो है जब अपन पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक लार्ज रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है ना, और चूंकि अपने यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इस लार्ज रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन सबका नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? जैसे यहाँ पर मैंने नक्सल्स को इंक्लूड करा है अदर देन, ठीक है चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। नक्सल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, पीजेंट्स के अलावा ट्राइबल्स हो गए, ट्राइबल्स के अलावा जो पुअर लेबरर्स वगैरह जो भी हो गए है ना, ठीक है, और जो अपने जो है रूरल पीपल हो गए, अगर इन सब के कॉज को ढंग से एड्रेस नहीं किया जाएगा, और किस चीज़ को ढंग से एड्रेस किया जाएगा? इंडिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान 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 को, पाकिस्तान 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 को, और वापस पाकिस्तान 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 को, समझ में आया? या फिर हिंदू मुसलमान को। अच्छा, अगर पाकिस्तान को नहीं कर रहे हो तो हिंदू मुसलमान को, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, एंड ये चलती रहेगी जो गाथा है, एक ही चीज़ चलेगी, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मतलब टेप चल रही है, हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है, या फिर पाकिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है। जो नक्सल पीपल हैं, नक्सल पीपल को मैंने आपको बताया था कि अपन इनको टेररिस्ट क्यों करार नहीं देते, इसलिए करार नहीं देते बिकॉज वी डोंट बिलीव इन टेररिज्म इन इंडिया। समझ में आया कि भाई इंडिया के अंदर टेररिज्म जो है इंटरनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है और पाकिस्तान उसको क्रिएट कर रहा है। तो ये जो नक्सल्स हैं ये एट लास्ट है कौन? ये भाई अपने ही भाई बंद तो हैं। ठीक है, जो है नक्सल बनने से पहले और नक्सल बनने के बाद, मतलब सॉरी नक्सलिज्म छोड़ने के बाद, ठीक है, और नक्सलिज्म के अंदर भी, या इसको अगर इस तरीके से देखो कि भाई नक्सल बनने से पहले, नक्सलिज्म छोड़ने के बाद में, ये अपने भाई बंद हैं, ये नॉर्मल सोसाइटी के अंदर नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं।
जो बीच का जो पार्ट है उस बीच के पार्ट के अंदर भी तो ये अपने भाई बंदी कहलाएंगे एक, मतलब इस लिंक से, यहाँ तो लिंक क्रिएट हो गया ना, समझ में आया। तो इसके अनुसार अपन को इनका भी ध्यान देना चाहिए, इनकी नीड्स को एड्रेस करना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ द, तुमको चाहिए क्या, समझ में आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये समझाना चाहिए कि भाई दिस इज़ नॉट द वे टू आस्क फॉर यू नो, कि ये तो एक तरीके से एक्सटॉर्शन हो गया कि भाई हम जो है डरा धमका के बंदूकें उठा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये स्टेट जो है, वो गवर्नमेंट जो है, वो अपने एंड पर सही है कि भाई ठीक है हम एक हद से ज़्यादा इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि वरना तब तो हर कोई जो है आर्म्स वगैरह उठाने लग जाएगा। दैट इज़ राइट, दैट इज़ ओके, बट उसके अलावा जो बेसिक कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं उन सबको, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को तो अपन को एड्रेस करना ही पड़ेगा। और इन्हें एड्रेस करने से भी ज़्यादा अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों को एड्रेस करें, ताकि ये जो है ये नक्सलिज्म के अंदर एंटर करे ही ना, फर्स्ट फेज के अंदर, फर्स्ट प्लेस के अंदर, विच इज़ पीजेंट्स, ट्राइबल्स, है ना, जो लेबरर्स वगैरह हैं, जो रूरल जो भी पीजेंट, जो भी पीपल हैं, इन सब की प्रॉब्लम्स को अगर अपन एड्रेस करेंगे तब जाके फिर जो कुछ काम होगा। वाई आर रूरल पीपल, चलो मैं तो भूल जाओ अपन नक्सलिज्म को, देर इज़ नो सच थिंग एज नक्सलिज्म, बट द रूरल्स एंड द ट्राइबल पीपल एंड द पीजेंट्स आर मच मच अट्रैक्टेड टू द अर्बन एरियाज। वाई आर दे अट्रैक्टेड सो मच, है ना, सब बोलते हैं कि भाई मैं तो गांव जा रहा हूँ, मैं तो गांव से आया हूँ, मेरे गांव में ये है, मेरे गांव में वो है। तो गांव में जो है, तो गांव में रहते हैं आप, यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर आने का कारण ये था कि गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं था, गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, गांव में इनकम नहीं थी, गांव में एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ नहीं थी, समझ में, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी। इस वजह से जो है उसको ज़बरदस्ती अर्बन एरिया के अंदर आना पड़ा। उसको ऐसा नहीं है कि भाई जो है, मतलब ठीक है काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट और उसके हिसाब से भी आते हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई मज़ा नहीं आ रहा अपने फैमिली को पीछे छोड़ के और किसी और दूसरे एरिया के अंदर अपनी ऐस तैस करवाने में, समझ में आया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, तो अपैथेटिक, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। पॉलिटिकल के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है उसके अंदर, जैसे इकोनॉमिक आ गया, है ना, इकोनॉमिक कॉजेज़ की अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में तो बेसिक है, जैसे कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है, या बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर इनके पास शेयर नहीं है, जिसका मतलब होता है कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके अलावा सैनिटेशन, उसके अलावा एजुकेशन, उसके अलावा हेल्थ, है ना। तो ऐसी बेसिक चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह, वेजेस की अगर अपन बात करें तो वेजेस जो है इक्वल वेजेस नहीं है, ये सारे इश्यूज हैं। ये हो गया पॉलिटिकल, ये हो गया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर इससे ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक के अलावा और जो है जुडिशियल के ऊपर अपन आ जाते हैं, तो जुडिशियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडियाज़ मैं आपको इसके ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जैसे कि सबसे पहली बात तो जो पेंडेंसीज है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम पेंडेंसी है, ठीक है, अंट शंट पेंडेंसी है। कितनी ही एक्स्ट्रा सेशंस लगा दें, कितने ही वेकेशन के अंदर कोर्ट खोल लें, कितना ही कुछ भी कर लें, बट ऑलरेडी पेंडेंसी इतनी ज़्यादा जो है प्रेवेलेंट है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कोर्ट्स के अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। और ट्रस्ट मी, इस चीज़ को इमेजिन करना, आई कैन गारंटी दिस, मतलब मैं इस चीज़ को गारंटी कर सकता हूँ, इस वीडियो को देखने वाले जो आप जो पर्सन हो, ठीक है, हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आई कैन 100% गारंटी दिस कि अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो आपकी फैमिली के से रिलेटेड या जो भी कोर्ट केसेस अगर मैक्सिमम पेंडिंग होंगे तो डैट विल बी वन। ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम डेटा है, 98% केस के अंदर ये चीज़ एज इट इज़ सही होने वाली है। आप आपके दूसरे घर के अंदर देखो, वहाँ पर पूछना कि भाई एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल केस के अंदर आप किसी से भी जाकर पूछो कि आपके घर में कोई, क्या कोर्ट केस वगैरह आपका कोई पेंडिंग है, आपके फादर का, आपके मदर का, आपके भाई का, आपकी बहन का, किसी का कोई जो है कोर्ट केस पेंडिंग है आपका खुद का, तो बोलेंगे नहीं हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो इतनी सारी पेंडेंसीज आ कहाँ से रही है? पेंडेंसीज की अगर अपन बात करें, इतनी पेंडेंसी है कि अगर कोर्ट आज की तारीख में केसेस उठाना शुरू भी करता है,
ठीक है, अगर आज की तारीख में केसेस उठाना शुरू भी करता है, मेरे ख्याल से 2010 या 2013 ऐसा कुछ वो डेटा आया था बीच में, ठीक है, उससे पहले का, तो भी उन सारे केसेस को भी कवर करने में नेक्स्ट 10 ईयर्स लग जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ऑलरेडी 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो इन 10 ईयर्स के केसेस कवर करने में और कितने ईयर्स लगेंगे वो सोचो, समझ में आया। इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं, इसीलिए जुडिशरी जो है कोविड के अंदर भी वो जो है ऑनलाइन मीडियम वगैरह के अंदर इतने ज़्यादा इंक्लाइंड थे। इस बात को हमेशा समझना कि ये जो अथॉरिटीज़ होती है जैसे कि जुडिशरी और एजुकेशन वगैरह, दे आर वेरी वेरी लेस प्रोन टू चेंजेस, चेंजेस चाहिए ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो अगर वो जिद्दी होते हैं और सबसे ज़्यादा जो अगर कोई छुट्टियाँ लेते हैं तो डैट इज़ इन एजुकेशन एंड इन जुडिशरी। उसके बावजूद भी कोविड के अंदर इतने ज़्यादा इंक्लाइंड थे क्योंकि उनको डेटा पता था कि अगर इनकी पेंडेंसीज लग गई, अगर ये 6 महीने की पेंडेंसी लग गई तो फिर जुडिशरी का कल्याण हो जाना है, और तो फिर हम कोर्ट में नज़र नहीं आएंगे। समझ में आया, इसीलिए केसेस लेना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस बात को आप देखो तो पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, जब अपने परिवार में कोई इतने केसेस वगैरह नहीं है तब इतनी पेंडेंसी है। सोचो कि अगर आप दो तीन, जो आप परेशान होते हो, केस करना आपका हक है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर परेशान होते हो और आप उन चीज़ों के ऊपर अगर केस करने लग जाओ तो सोचो जुडिशरी की क्या हालत होगी। समझ में, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको क्या जस्टिस की कोई उम्मीद है? अगर उनका कोई लैंड चला जाता है तो क्या उनको जस्टिस की उम्मीद है कि भाई लैंड वापस आएगा? लैंड वापस नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया, केस ही तब तक चलता रहेगा। जैसे आज मैं ARC पढ़ रहा था, ठीक है, तो ARC के अंदर एक जगह पे मेंशन कर रखा था कि वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, अगर कोई भी इलेक्शन वगैरह इस सब चीज़ से रिलेटेड केस है हाई कोर्ट के अंदर, वो सीधा आप वो जो है अपील वगैरह करोगे एंड 6 मंथ्स के अंदर वो डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। लेकिन ये जो केस है ये जो है 5 साल, 6 साल, 7 सालों तक चलता रहता है एंड आगे तक चलता रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब जो है MP आया था या MLA आया था, उसने अपनी पूरी की पूरी टर्म ख़त्म करी और वो चला गया, तब तक केस चल ही रहा है। तो क्या मतलब निकला केस का? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का पॉइंट था ये, ठीक है। तो क्या मतलब निकला केस का? वो जो पर्सन है उसके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, डकैती के चार्जेस हैं, वो जो है 5 साल तक, 6 साल तक MP रहा है, फिर हटा है। 5 साल तक MLA रहा है, 6 साल तक MLC रहा है, फिर हटा है, और जो है तब तक भी केस चल ही रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो ये पेंडेंसी है। अभी कुछ दिन पहले जैसे लल्लन टॉप के ऊपर एक चीज़ आ रही थी, चलो ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपन नहीं उतरेंगे। तो जुडिशियल, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सेकंड चीज़ जो है यहाँ पर जुडिशियल के अलावा और क्या आता है? तो जुडिशियल के अलावा जो नहीं सॉरी पेंडेंसी के अलावा, पेंडेंसी के अलावा ये भी चीज़ है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है जुडिशरी और जो है मैकेनिज़म्स वगैरह का, कोर्ट्स वगैरह का, ठीक है। जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर ज़ीरो पेनिट्रेशन है एंड दिस इज नॉट सो ईजी, ठीक है। मतलब जस्टिस जो है वो ईजी होनी चाहिए, जस्टिस बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो है डेमोक्रेसी के अंदर, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, रिपब्लिक के अंदर, इसमें उसमें बड़े बड़े इन सब नामों के अंदर आप रह रहे हो और जस्टिस आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि आप ट्राइबल एरिया से रूरल एरिया में जाते हो, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हो, अर्बन एरिया में जाकर जो है आप कोर्ट ढूंढते हो, कोर्ट ढूंढ कर आप लॉयर ढूंढते हो, वहाँ पर आप चक्कर काटते हो और चक्कर काटते हो और चक्कर काटते हो और चक्कर काटते हो। इतनी ज़्यादा इजी नहीं, कितना ज़्यादा टफ प्रोसेस हो गया ये। अगर मैं यही चीज़ आपको करने को बोलूं कि आप जो है एक केस ऐसा फाइल करो, आप ऐसी जगह पर हो और आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ कह रहे, छोड़ना यार जाने दे, अपने काम से काम रखते हैं, छोड़ क्या मतलब है, कोई बात नहीं, विल मैनेज, तो दैट इज द सिनेरियो। समझ में आया, फिर इसके बाद क्या है, दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स वी शुड फोकस ऑन, है ना, नॉट एज एन एस्पायरेंट एस्पायरेंट बट ऑल्सो एज एन ऑफिसर, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है, ट्राइबल एरियाज़ मैंने आपको बता दिए, रूरल एरियाज़ के अंदर पेनिट्रेशन कम है, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर पेनिट्रेशन नहीं है, एंड जो टाइम एंड कॉस्ट का जो इनकरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई। अगर फ्री लॉयर्स वगैरह की अपन बात करें तो फ्री लॉयर्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है ना,
टाइम, बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम और कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, यहाँ ही से मैंने आपको बता दिया कि भाई ट्राइबल से रूरल में जाओ, रूरल से अर्बन में जाओ, अर्बन में जाकर फिर उसके बाद ढूंढो कोर्ट को, है ना। वहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कितना खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा, है ना, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कितना खर्चा होगा, यहाँ पर अकोमोडेशन का कितना खर्चा होगा, यहाँ पर लॉयर को ढूंढने का कितना खर्चा होगा, यहाँ पर ये वाले नोटरी के पास जाना, ये वाले इसके पास जाना, ये वाले उसके पास जाना, इन सारी चीज़ों का कितना खर्चा होगा, समझ में। फिर टाइम एंड कॉस्ट, इंकरेंस वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। जुडिशियल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, है ना, कॉजेस, इन कॉजेस के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस की अगर अपन बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस के अंदर जो जो स्टाफ है वो इल ट्रेंड है ना, इल ट्रेंड स्टाफ है, और जो अपने ऑफिशियल्स वगैरह इल ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है सेंसिटिवाइज नहीं है वो, है ना, और सिंपथी वगैरह उनके अंदर नहीं है जो भी पीपल हैं उनके केस के अंदर, समझ में आया, ठीक है। मल्टीपल अलग अलग पीपल, जो अगर कोई जो है गरीब महिला है तो उन गरीब महिला के तरफ बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि भाई ठीक है, हाँ ठीक है कल आना, ठीक है माँ जी मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो भगा देते हैं, समझ में आया। इसके ऊपर मोरालिटी वगैरह, एथिक्स के अंदर एक मज़ेदार डिबेट आती है कभी, एथिक्स के अंदर अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ है इल ट्रेंड के अलावा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो है गवर्नेंस जो है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बैड गवर्नेंस है और करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन की वजह से क्या चीज़ होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर जो सेंटर गवर्नमेंट्स है, अगर वो कुछ लॉज वगैरह या फिर लॉज भी नहीं, स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह अगर लेकर भी आती हैं, अगर कुछ इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड भी करती हैं, तो भी वो इंसेंटिव्स वगैरह जो हैं ट्रिकल डाउन नहीं होते हैं कहाँ पर, जो जो लोअर लेवल पर जो भी पीजेंट्स हैं, जो भी लेबरर्स हैं, जो भी पुअर पीपल हैं, जो भी रूरल पीपल हैं, जो भी ट्राइबल्स हैं, इन तक जो है वो चीज़ें नहीं आती है, समझ में। और बीच में ही जो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह, जो भी ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, वो बीच में ही आधी से ज़्यादा चीज़ें गप कर जाते हैं, तो नीचे उतरने वाली चीज़ें बहुत कम होती है। इसीलिए आजकल जो है सरकार DBT की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात कर रही है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट खातों में ये पैसा जाए और जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक और कुछ है, पॉलिटिकल हो गया, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल की अगर अपन बात करें तो एनवायरमेंटल के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, सबसे पहली बात तो ये है। इकोनॉमिक के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, इस माइनिंग के अंदर जो है एक तो इनका लैंड वगैरह ले लेते हैं, तो उस लैंड के ऊपर तो एक तो इनका लैंड वगैरह का लॉस हुआ, दूसरी बात इस माइनिंग की वजह से जो बेनिफिट्स वगैरह आने आने चाहिए थे, ये मैंने शायद आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया होगा, तो जो बेनिफिट्स वगैरह आने चाहिए थे वो बेनिफिट्स भी इनको नहीं मिलते हैं, समझ में आया। अगर एरिया आपका है, अगर ज़मीन आपकी है, तो आप एक्सपेक्ट भी तो करेंगे कि भाई इससे जो भी चीज़ निकले, इससे अगर कुछ सोना निकले तो उसका कुछ हिस्सा तो कम से कम आपको मिले। अगर कुछ भी आपको ना मिले और आपको सीधा भगा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, समझ में आया, दैट इज़ द इशू। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल जो है इशूज़ की अगर अपन बात करें, एनवायरमेंटल कॉजेज़ की यहाँ पर बात करें, तो पहला पॉइंट वहीं से आता है कि जो माइनिंग वगैरह है इसकी वजह से लैंड ले लिया जाता है, तो लैंड का पहली बात तो प्रॉपर